दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टेलीविजन की यंग एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस वैशाली टक्कर की डेथ क्यों हुई और किस कारण हुई उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप वैशाली टक्कर की डेथ का कारण जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैशाली इंदौर में अपने परिवार के साथ रहती थी और आज उसी घर से वैशाली की डेड बॉडी मिली है। वैशाली ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। जी दोस्तों बताया जा रहा है कि वैशाली ने सुसाइड कर लिया है। वैशाली ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर अभिनंदन सिंह से शादी की थी और इसी साल जून में ये कपल शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन इन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई और अब यूं अचानक वैशाली ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली है। उनके यूं सुसाइड करने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि वैशाली का डेथ केस तीजाजी नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो चुका है और पुलिस अभी तक ये जानकारी कर रही है कि इन सब के पीछे क्या रीजन हो सकता है। दोस्तों पुलिस को वैशाली का लिखा हुआ एक नोट भी मिला है। दोस्तों हम आपको बता दें कि वैशाली टक्कर अभी सिर्फ 29 साल की थी। उन्होंने बहुत सारे हिट टीवी सीरियल्स में काम किया था जिनमें ये रिश्ता क्या कहलाता है, ससुराल सिमर का, ये है आशिकी, मनमोहिनी 2, सुपर सिस्टर और रक्षाबंधन शामिल हैं। और ये बहुत ही दुख वाली बात है कि फेमस एक्ट्रेस की यूं अचानक मौत हो चुकी है। दोस्तों आपको ये न्यूज सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।